This conference will now be recorded. हेलो, कैसे हो बच्चों? बढ़िया। तो होप सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, और खूब ढंग से मेहनत कर रहे हो, और एट द सेम टाइम अपने दिमाग को फ्री रखने के लिए भी, कंट्रोल में रखने के लिए भी जोर लगा रहे हैं, है ना। सो जय हिंद। एंड हम शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेवेंथ सेशन। आज का एजेंडा रहेगा आइसोमेरिज्म। आइसो इंग्लिश वर्ड इज सेम, मर इज यूनिट, राइट। सेम चेहरा, राइट, होना, ऐसा कुछ फिनोमिना हम पढ़ने वाले हैं। हम आपको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और हम आपको स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में लेके जाने वाले हैं। तो राइट नाउ बच्चों, हम शुरू करते हैं। अभी हम फोकस करेंगे पहले स्ट्रक्चर के ऊपर, फिर स्टीरियो के ऊपर। जरा एक बार रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। टू और मोर सब्सटेंसेस, यहाँ पे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल और स्पेशियल अरेंजमेंट आर नोन एज आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। स्पेशियल का मतलब 3D, थ्री डायमेंशंस में, एक में मेरे साथ इस तरफ कोई बैठा है और दूसरे में मेरे वो इस तरफ कोई आदमी बैठा है, कोई अरेंजमेंट बैठा है, तो इसको हम स्टीरियो या स्पेशियल अरेंजमेंट बोलेंगे। आइसोमेरिज्म इज वेरी कॉमन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो टू मेन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। द फर्स्ट इज गोइंग टू बी स्ट्रक्चरल एंड द सेकेंड इज स्टीरियोस और स्पेशियल और स्पेस आइसोमेरिज्म। Each of this is further subdivided into different types as discussed below. ठीक, हम पहले स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आपको दिखाने वाले हैं। और बेटे याद रखना, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसके पूरे के आप नोट्स बनाएंगे समझने के बाद, राइट। हम पहले आपको डिस्कस करवा रहे हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। तो शुरू करते हैं। द स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोई एक ग्रुप या एटम एक जगह से जाके दूसरी जगह पे लगा हुआ है। दीज में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर पेज पे नहीं लिखूंगा, पूरा टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्कूल के एंगल से तो जो है ही है, ये आपके नीट और जेई एंगल से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला इज गोइंग टू बी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के अंदर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। जैसे कि नाम से पता लगता है, आयोनाइजेशन आइसोमर इज जो कंपाउंड फॉर्मूला सेम होगा, डिफरेंट आयंस देंगे, आर नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमर्स। द कंपाउंड्स विच गिव डिफरेंट आयंस ऑल्दो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमर्स। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स व्हेन द काउंटर आयन, काउंटर आयन कौन से होते हैं? द सेकेंडरी वैलेंसी वाले। द सेकेंडरी वैलेंसी जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होते हैं इज ऑल्सो अ पोटेंशियल लिगेंड। जैसे कि नाइट्रेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर हो सकता है, सल्फेट अंदर और बाहर हो सकता है, क्लोराइड अंदर और बाहर हो सकता है। हेंस इट कैन डिस्प्लेस द लिगेंड व्हिच कैन बिकम अ काउंटर आयन। मतलब बेसिकली प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी है वो आपस में शिफ्ट करेगी। आपको याद होगा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है उसका टेस्ट आ सकता है, दूसरे का नहीं आ सकता है। फॉर एग्जांपल बेटे, हमारे पास ये पेंटा अमाइन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थ्री सल्फेट है। ये सल्फेट का टेस्ट देता है। अगर हम बेरियम क्लोराइड डालें तो ये एक टेस्ट देगा बेरियम सल्फेट का। इसका रंग रेड वॉयलेट है। आपको इसके कलर याद करने की जरूरत नहीं है, वहां अगर आपकी रेजर शार्प मेमोरी है तो आप रख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड देखो फर्क क्या हुआ है। ब्रोमाइड और सल्फेट प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में इंटरचेंज हो गए हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर। इसमें हमारे पास ब्रोमाइड आयन बाहर आ गया है। सो ये ब्रोमाइड आयन का टेस्ट देगा।
अगर आप सिल्वर नाइट्राइड डालेंगे तो इसमें से AgBr हमारे पास निकल सकता है। आपकी थ्योरी में क्वेश्चन बन सकता है प्यारे से बच्चों, गिव वन एग्जांपल ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर्स, और दो तीन एग्जांपल्स दो आयनाइजेशन आइसोमर्स के, या पहचानो इनमें से कौन आयनाइजेशन आइसोमर्स है। देखिए यहाँ पे सल्फेट एंड OH राइट बाहर आ गया है, ये वाला कंपाउंड OH यानी कि बेसिक बना देगा। इसमें ब्रोमाइड और क्लोराइड आपस में शिफ्टिंग मार रही है, इसमें नाइट्रेट और सल्फेट अपनी पोजीशन को चेंज किए हैं राइट। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा वो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म दिखाएगा, डिफरेंट प्रकार के आयंस पैदा करेगा बच्चों। तो हमने किया है कौन सा आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आपको करवा के लाए हैं द आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। आगे बढ़ते हैं बेटे, द सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमरिज्म, बार बार नाम लिखते हैं तो प्रैक्टिस होती है। फर्स्ट इज आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमरिज्म, द कंपाउंड विच हैव द सेम कंपोजिशन बट डिफरेंट इन नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज लिगेंड एंड एज अ फ्री सॉल्वेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में अब एक हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा। अगर वाटर इज द सॉल्वेंट, दीज आर गोइंग टू बी नोन एज हाइड्रेट आइसोमर्स। फॉर एग्जाम्पल, याद नहीं करने का है, समझने का है, क्रोमियम Cl3 6 वाटर, प्रैक्टिस से क्रोमियम की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 है। देखो बेटे, एक में 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल अंदर है, 3 क्लोराइड है। अगर आप इसका टेस्ट करेंगे ये 3 क्लोराइड है देगा। इसमें देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक वाटर अंदर से बाहर चला गया है और उसकी जगह पे एक क्लोरीन अंदर आ गई है, 2 आयनिक क्लोरीन। और इसमें देखो 4 वाटर मॉलिक्यूल अंदर रह गए हैं, 2 बाहर आ गए हैं। सो बेसिकली इट इज द वाटर, द सॉल्वेंट इज प्राइमरी और सेकेंडरी में चेंज हो रहा है, इसमें सिर्फ 1 आयनिक क्लोरीन है। तो रंग ना तो मेरे को याद हुए हैं, ना मैं आपको याद करने के लिए क्या कहना चाहूंगा, बट हाँ अगर आप बहुत बड़े रटेबाज हैं और आपकी कैपेबिलिटी है तो प्लीज आप उसको यूज कर सकते हैं। मेरे को याद नहीं होते हैं, और इसमें कोई, जिनको नहीं याद होते हैं वो कोई शर्म की बात भी नहीं है। दीज आर सम अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ ये, प्लीज इसको कॉपी करिएगा। समटाइम दीज आर ऑल्सो नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमर्स, है तो वही है, आयनाइजेशन हो गया, हाइड्रेट हो गया। तीसरा आ गया हमारे पास द लिंकेज आइसोमर्स, ये तब पैदा होगा जब आपके पास लिगेंड के अंदर कोऑर्डिनेटिंग एटम एक से ज्यादा हो सकते हैं। दैट इज लिंकेज आइसोमरिज्म अकर्स इन कंपाउंड्स हैविंग एम्बीडेंटेट लिगेंड्स व्हेन मोर देन वन एटम इन अ यूनिडेंटेट लिगेंड में फंक्शन एज अ डोनर। फॉर एग्जाम्पल याद करिए, NO2 में इधर O से बॉन्डिंग हो सकती है या N से हो सकती है, नाइट्राइटो O नाइट्राइटो N हो सकता है। द टू डिफरेंट पेंटा अमाइन नाइट्रो कोबाल्ट क्लोराइड हैव बीन प्रिपेयर्ड राइट कंटेनिंग द टू नाइट्रो ग्रुप इन द कॉम्प्लेक्स आयन राइट। वही कंपाउंड इसके बाद मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, फर्क महसूस करो, इसमें ऑक्सीजन से लिंकेज है और इसमें NO2 से लिंकेज है। तो इसमें नाइट्राइटो ओ है और इसमें नाइट्रो लिखा है या नाइट्राइटो एन है राइट। वन इज रेड एंड वन इज गोइंग टू बी येलो, ऐसा हम आपको बता रहे हैं। समझ सकते हैं बेटे हाउ इट हैपेंस द लिंकेज आइसोमरिज्म। हम लोग आपको करवा क्या रहे हैं, हम आपको लिंकेज आइसोमरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के नीचे करवा रहे हैं। आगे बढ़ रहा हूं जी, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, इसमें हमारे पास केटायन और एनायन दोनों कोऑर्डिनेशन से फेयर होंगे। दिस इज पॉसिबल व्हेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ द सॉल्ट आर कॉम्प्लेक्स आयन एंड टू आइसोमर डिफर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
सम एग्जाम्पल आप यहां पे फोकस कर रहे हैं। देखिए एक कंपाउंड आपका ये है, ये पूरा एक कंपाउंड हो गया, और अगले में हुआ क्या है, क्रोमियम आके अमोनिया के साथ जुड़ गया है और कोबाल्ट आके साइनाइड के साथ जुड़ गया है, तो इनको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बोलेंगे। अमोनिया की कोऑर्डिनेशन क्रोमियम से और उसकी कोबाल्ट से। अब आप यहाँ पे फोकस करेंगे बेटे, वो आपसे एग्जांपल पूछ सकते हैं, यहाँ पे क्रोमियम अमोनिया से जुड़ा है और कोबाल्ट ऑक्सलेट से जुड़ा है, यहाँ पे खिचड़ी बदल गई है ऑक्सलेट क्रोमियम के साथ, राइट, क्रोमियम ऑक्सलेट के साथ और कोबाल्ट अमोनिया के साथ ये आपके पास आ गया है, राइट। मैंने वो यहां से ये करना था, कोबाल्ट अमोनिया के साथ क्रोमियम ऑक्सलेट के साथ आ गया है। सो दीज टू आर गोइंग टू बी कौन से आइसोमर्स आ गए हैं जी, द कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन। फर्दर एग्जांपल्स मैंने देने की कोशिश की है, आप इसको देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। टू मोर टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म विच आर लेस कॉमन आर ऑल्सो फाउंड इन नेचर। कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमेरिज्म, स्टार का मतलब बेटे ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। दिस अकर्स इन ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल एटम। कोऑर्डिनेशन पोजिशन, यहां पे चार अमोनिया लेफ्ट पे हैं और दो अमोनिया और दो क्लोरीन राइट में है। फर्क देखिए, यहां पे चार अमोनिया की जगह पे तीन अमोनिया और एक क्लोरीन आ गया है, यहां पे अंतर हुआ है। यहां पे दो अमोनिया और दो क्लोरीन की जगह पे तीन और एक का कॉम्बिनेशन आ गया है। मोटे तौर पे एक में दोनों क्लोरीन राइट हैंड साइड पे थे, एक में एक एक क्लोरीन राइट हैंड लेफ्ट पे है। सुनो, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा तो इसका मतलब होता है स्कूल में, एग्जाम में, बोर्ड्स में कोट मत करिए। पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म, कंपाउंड्स लाइक दिस एंड दिस, ऑब्जर्व करो बेटे, ये जो कंपाउंड है इनटू टू, अगर मैं फर्स्ट को कर दू, देखो सेकंड कंपाउंड बन रहा, दो प्लेटिना चार अमोनिया दो क्लोरीन, विच हैज सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला बट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर मल्टीपल्स ऑफ एम्पिरिकल। And this is known as polymerization isomerism. वैसे basically it is not a true isomerism. Why? Isomerism के लिए तो compound का molecular formula, atoms, molecule same होने चाहिए। उसमें तो वो double है। ठीक है, हम इसको ऐसा कहते हैं। तो हम आपको क्या करवा रहे हैं? Structural isomerism. गुरु मंत्र मेरे और आपके बीच में IHCl, I for दोस्तों ionization, review करो different ions देंगे, H for hydrate या hydration isomerism, H आ गया, C for दोस्तों the coordinate और coordination isomerism, and 4 for कौन सा, the linkage isomerism, these are the 4 जो आप quote करेंगे। ये जो दो हमने आपको करवाए हैं ये नॉर्मली कोट नहीं होने वाले हैं। तो डियर, हम आपको क्या करवा रहे हैं? हम आपको आइसोमेरिज्म करवा रहे हैं। अभी आपको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में से बाहर लेके आए, अब आपको स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में लेने वाले हैं, लेके जाने वाले हैं। दिस इज इवन इम्पॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा रट्टा बेस्ड टॉपिक है। अंडरस्टैंडिंग तो है ही है, आप समझ जाएंगे, बट एग्जामिनेशन में ना नॉलेज और सब चीजों का कॉम्बिनेशन होएगा वहां। तो अब हम आपको सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, द स्पेस आइसोमेरिज्म में लेके जाने वाले हैं। शुरू करते हैं, एंड एज कोटेड अर्लियर आपको नोट्स बनाने हैं बाद में, पर समझने के बाद। जैसे अब आप स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के नोट्स बना सकते हैं, पॉज कर दो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के इसके बाद में बनाएंगे। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स द लिगेंड आर अरेंज्ड इन स्पेस इन स्पेसिफिक ओरिएंटेशन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन।
वी रिमेंबर टेट्राहेड्रल, द स्केयर प्लेनर एंड द ऑक्टाहेड्रल. दिस आइसोमेरिज्म अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट पोजिशन एंड अरेन्जमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सीएमए. ध्यान दीजिएगा, इसमें ये पोजीशन और ये पोजीशन ऑपोजिट है. इसमें ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन ऑपोजिट है. ठीक, कुछ कारण है कि मैं ये क्या कह रहा हूं. इसमें देखिएगा बेटे, ये वाली पोजीशन ऑपोजिट है, राइट? ऑपोजिट की कहानी हो गई इसमें. तो यहां पे दोस्तों ये वाली पोजीशन ऑपोजिट है. मैं कलर जानबूझ के अलग मारने की कोशिश कर रहा हूं. यहां पे बेटे ये वाली पोजीशन ऑपोजिट है. इसमें ऑपोजिट पोजीशन काम आती है. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट? लाल पेन ले लेते हैं. इन टेट्राहेड्रल देयर इज नो एग्जैक्ट ऑपोजिट पोजीशन. टेट्राहेड्रल में कोई भी डायगोनली ऑपोजिट नहीं है, सारी पोजीशन इंडिपेंडेंट है. ये कुछ फर्क आएगा, ये जनाब डिफरेंटली बिहेव करेंगे. तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम आपको दो प्रकार के करवाने वाले हैं. इट इज गोइंग टू बी द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. Each of this is described as geometrical or cis-trans isomerism. जिन लोगों ने प्लस टू में अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं किया है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को थोड़ा पॉज लगा देंगे. मैं तो लेक्चर दे ही दूंगा. पहले आप ऑर्गेनिक का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करके फिर इसमें आएंगे. ठीक, अभी हम ज्योमेट्रिकल में जा रहे हैं. दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स इन हेटेरोलिप्टिक, डिफरेंट लिगेंड्स होंगे ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स. व्हेन टू आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन द आइसोमर इज कॉल्ड एज सिस, एंड व्हेन अरेंज ऑपोजिट टू अनदर इज नोन एज ट्रांस. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल फॉर कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2 and 3 and tetrahedral complexes with coordination number 4, because in this case all the four positions are equivalent. Jahan marzi rakh do wo barabar hai. There is no exact opposite position, right? Aap trigonal planar mein bhi kisi ko opposite nahi keh sakte. However, cis trans is quite common in coordination number 4 mein square planar and coordination number 6 mein octahedral positions. हमने आपको दो ही जगह पे स्केयर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाना है, राइट? नेमिंग में हम कंपाउंड के आगे सिस और ट्रांस वर्ड सिंपली रख देते हैं. बेटे समझना, इसको कॉपी मत करना, मैं लिख देता हूं. डू नॉट कॉपी दिस पेज. वन एंड थ्री ऑपोजिट पोजिशन है, ऑपोजिट, डायगनली ऑपोजिट. फोर एंड टू ऑपोजिट पोजिशन है, फोर एंड टू. एडजेसेंट पोजिशन हमारे पास हैं थ्री एंड फोर, राइट? टू एंड थ्री, इट इज वन एंड टू एंड इट इज वन एंड फोर. आपकी ये वाली पोजिशन, यहां पे ऑपोजिट पोजीशन है बेटे, 1 and 6, 3 and 5, 2 and 4. एडजेसेंट कौन सी पोजीशन है जी? इट इज गोइंग टू बी बाकी सारी एडजेसेंट पोजीशन, 2 and 5, 1 and 2, 1 and 5, 2 and 3, 4 and 5, 6 and 3, एंड सो ऑन. प्लीज याद नहीं करने का है, ऑपोजिट देखो बस. तुम सिर्फ ऑपोजिट देखो, सिर्फ ऑपोजिट देखो. ये वाली ऑपोजिट है, ये वाली ऑपोजिट है, बाकी सारी एडजस्ट है जो डायगोनली आ रही है. तुम सिर्फ ऑपोजिट पोजीशन देखो,
सिर्फ, राइट, और कुछ नहीं देखने की जरूरत है, ऑपोजिट। ये वही स्लाइड आई है, तो आपको पता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। दिस इज वही चीज है, हम एग्जांपल में चलते हैं। पहले हम आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्केयर प्लेनर में दिखाएंगे, फिर हम आपको ऑक्टाहेड्रल में दिखाएंगे। इस स्लाइड से आगे कॉपी होगा, ठीक, पर वही बात है, पहले समझना होगा। स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल एटम बाय एम एंड यूनिडेंटेट, यूनिडेंटेट ए बी सी डी नाइट्रो, बाइडेंटेट को वो ए ए या ए बी आगे चल के देखेंगे। रफ में कॉपी करो एम ए टू बी टू टाइप, रफ में कॉपी करो एम ए टू बी टू टाइप, इंपॉर्टेंट है। एक सेंट्रल एटम, दो लिगेंड एक प्रकार के, दो लिगेंड एक प्रकार के। बेटे तुसी ना सिर्फ ट्रांस देखो, सिर्फ ट्रांस देखो, क्लोरीन क्लोरीन ऑपोजिट, अमोनिया अमोनिया ऑपोजिट, दिस इज गोइंग टू बी ट्रांस। अगर अमोनिया अमोनिया ऑपोजिट नहीं हुआ, क्लोरीन क्लोरीन ऑपोजिट नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलोगे? सिस। आई स्ट्रेस रफ में, अभी रफ में, नोट्स बाद में बनाना। एम ए टू बी टू, एम ए टू बी टू देखिए, तो इनमें डायगनली ऑपोजिट पोजीशन पे दो लिगेंड और डायगनली ऑपोजिट पे कुछ अनदर लिगेंड। अगर ये चारों सेम हो जाएंगे तो आइसोमरिज्म नहीं आएगा। एम ए टू बी टू कॉपी में लिखें। एम ए टू बी सी, ए टू पिरिडिन दो हो गए, बी और सी अमोनियम क्लोरीन आ गए। अब एक ही ऑप्शन है, जो दो हैं पिरिडिन को ऑपोजिट रख दो और अमोनिया और क्लोरीन को, तो बाकी कहानी बचती ही नहीं है। जब दो भी ऑपोजिट आ गए तो आप इसको क्या कहेंगे? द ट्रांस। और इसको क्या बोलेंगे? सिस। तुम सिर्फ ट्रांस को देखो, एक लिस्ट बनाते रहो, ठीक, एक लिस्ट बनाते रहो, एम ए टू बी टू, एम ए टू बी सी, वेयर ए बी सी आर सम यूनिडेंटेट लिगेंड। MAB2, where AB represent an unsymmetrical bidentate. Unsymmetrical का मतलब जो दो हिस्सों में equally ना बट सके, like glycinate. Oxalate is symmetrical. अब देखो, जो glycinate है उसमें NH2, CH2, COO negative होता है, तो एक coordination nitrogen ने बनानी है और एक oxygen ने। तुम ट्रांस को देखो, ट्रांस में एक के नाइट्रोजन ने इस तरफ से पकड़ा है और दूसरे के नाइट्रोजन ने इस तरफ पकड़ा है, वो ऑपोजिट आ गया है। ग्लाइसिनेट के एक के ऑक्सीजन ने दूसरे के ऑक्सीजन से ऑपोजिट में पकड़ा है, ट्रांस आ गया है। और देखो, द सिस के अंदर अमोनिया, सॉरी गलत बोल गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एडजेसेंट पोजीशन पे बैठे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एडजेसेंट पोजीशन पे बैठे हैं। ऑब्जर्व करो, एम ए बी टू, तीसरा क्या आ गया है? एम ए बी टू, हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर अभी काम कर रहे हैं। चौथा एग्जांपल बेटे, एम ए बी सी डी टाइप, चारों डिफरेंट है। This is very important. आपका NCERT का भी क्वेश्चन है और आपके दोनों जगह पे नीट और जेई में भी पूछा गया है। Square planar complexes of MACD forms three isomers, right? Three, 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 three. Their structure may be obtained by fixing the position of one ligand. For example, A. हमने क्या किया? A को fix कर दिया। A को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया हमने तीनों में, अब ए को नहीं हिलाना। अब तीनों में से कोई एक उठा लो, आपकी श्रद्धा है, लेट इट बी बी उठा लो, हम बी को यहां रख देते हैं। अपनी मर्जी से तुमने इसको ट्रांस बोल दिया, राइट, अपनी मर्जी से। अब बारी बारी से बी को यहां ले जाओ, एडजेसेंट पे ले आओ, ठीक है, सीओडी, डी और सी को घुमा दो,
मतलब ए और बी को बस एक तरफ रखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द केस हो जाएगा। बना के देखें, किसी दूसरे ढंग से बना के देख लेते हैं। एम ए बी सी डी टाइप, नो दिमाग पे बोझ, एम एम तीन आने हैं, ऐसे ही बोल दिया, बी 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 ऐसे ही बोल दिया जो मन में आया। लेट इट बी बी और डी को पकड़ लिया, इसको क्या बोल देना है, ट्रांस। और यहां पे लगा दो एम ए बी सी डी है ना, बी एंड डी गए, अब क्या बचे हैं, सी एंड डी, सी एंड डी। बस यहां पे डी नहीं लेके आना, सी डी, यहां पे डी सी, और यहां पे क्या बच गया है, ए। ओए एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्यारे से बच्चों, ए बी सी डी, यस, वो मैंने गलती से खुशी खुशी में वो लगा दिया था, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए लगा दो। और एक मिनट, मैंने और खुशी खुशी में एक और गड़बड़ कर दी है, ये बी और डी को नहीं ऑपोजिट लेके आना है, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे डी, इन दोनों को क्या बोलेंगे, सिस। आपकी मर्जी है, आप किन्हीं भी दो को बट ऑपोजिट लगा दो बी एंड डी को, बस यहाँ पे बी और डी इधर है, यहाँ पे बी और डी इधर है, दैट्स गोइंग टू बी द सिस इन ट्रांस। यहाँ पे भी मैंने वही किया था, राइट। ए और बी को आपने ऑपोजिट नहीं लाना है, तीन ही बनने वाले हैं, तो चौथा आपके पास क्या आ गया है, इट इज एम ए बी सी डी टाइप। बच्चों इसको कॉपी करो, राइट। अभी रफ में क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इन कॉम्प्लेक्स पहचानो ये इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में आता है, फोर्थ। अरे चारों लिगेंड फर्क है, हाउ मेनी डिफरेंट लिगेंड विल बी पॉसिबल, हाउ मेनी कॉम्प्लेक्सेस विल बी पॉसिबल, आंसर इज ए द थ्री। डू यू अंडरस्टैंड, दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये स्लाइड तो डा काम करेगी, बताओ दिस स्लाइड, ठीक है जी। यहां पे इसकी मैंने कॉपी बना ली है, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। स्क्वायर प्लेनर ऑफ द टाइप MA4, MA3B, MAB3, नोट करो कम से कम दो ऑपोजिट होने चाहिए, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमॉरिज्म। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आल्सो डू नॉट शो, यही चार प्रकार के आपके पास आएंगे। That is, I have made a list for you, वही बेटे जो आपको बनाया था। MAB3 नहीं आ सकता है, B3A नहीं आ सकता है, right? और किसी प्रकार का MA4 नहीं पॉसिबल है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। सेशन को रोक दो, अब स्क्वायर प्लेनर कॉपी करो, जब हो जाएगा तो आगे आना। अब हम आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लेके जा रहे हैं बेटे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। दीज मे बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट अभी समझना है। जब मैं कहूंगा वो टेबल सा लेके आऊंगा, जैसे यहां पे चार के लिए किया था वैसे छह के लिए लेके आऊंगा, फिर आपने इसको कॉपी करना है जब मैं कहूंगा। MA4B2 टाइप और MA2B4 टाइप, अरे बेटे ज्यादा से ज्यादा ऑपोजिट पोजीशन ब्लॉक कर दो, अमोनिया दो, अमोनिया दो, क्लोरीन ऑपोजिट, दिस इज गोइंग टू बी द ट्रांस। यहां पे एडजेसेंट, राइट, यहां पे देखो ना सारी पोजीशन ऑपोजिट है ही नहीं, हाँ दो पोजीशन में से एक तो आपको एडजस्ट करनी ही पड़ेगी, आप ज्यादा से ज्यादा ऑपोजिट ब्लॉक कर दीजिए, ये रफ में लिखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। MA2B2, वेयर ए ए का मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, राइट।
फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट क्लोरीन टू बी टू आ गया, इथाइलिन डायमीन दैट इज ए ए आ गया। ट्रांस को देखो बच्चों, सिर्फ ये देखो जी, ट्रांस ई एन ई एन डायगनली ऑपोजिट पोजिशन पे आ गया। तुम सिर्फ डायगनली ऑपोजिट को देखो, दैट्स इट, यही पोजिशन, दैट्स द डायगनली ऑपोजिट पोजिशन, क्रॉस बन रहा है ट्रांसफॉर्म। इसके अलावा कोई भी आपके पास होएगी डियर, सो दैट इज गोइंग टू बी कौन सी फॉर्म निकल के आएगी, द सिस फॉर्म निकल के आएगी, कॉपी ए ए टू बी टू। मैंने तो समरी बनवानी ही है बट आप इसको कॉपी करेंगे। एम ए थ्री बी थ्री टाइप, एम ए थ्री बी थ्री टाइप, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज रुबीडियम क्लोरीन थ्री पिरिडीन थ्री, तीन एक प्रकार के तीन। इसमें द सिस एंड ट्रांस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो, राइट, सिस एंड ट्रांस। जैसे सिखाया गया कि आपको क्या कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा ऑपोजिट पोजीशन ब्लॉक कर दो। ट्रांस को देखो, पिरिडीन एंड पिरिडीन ये, क्लोरीन एंड क्लोरीन ऑपोजिट, इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते हो, एंड ये आ गया आपका पिरिडिन एंड क्लोरीन, ये इससे ज्यादा तो पॉसिबिलिटी हमारे पास थी ही नहीं, है ना, ठीक। और देखते हैं, अब सिस बनाओ, पिरिडिन पिरिडिन को एडजस्टमेंट कर दिया, इन तीन पोजीशन रख दिया, क्लोरीन क्लोरीन को यहां रख दिया, हो गया, दिस इज सिस। और द ये अगले पेज पे समझाता हूं। अब देखो जी ये वाला पेज देखते हैं, सॉरी एक मिनट दीजिएगा प्लीज, मैं इसको रब कर रहा हूं, कोई कारण है। हम ट्रांस को देखते हैं पुत्रों, क्या देखते हैं, ट्रांस को देखते हैं। ट्रांस को देखो, आपके पास ये ध्यान से देखो, ये सिस में देखो, ठीक, ये और इधर ये देखो, ये कंपाउंड के दो चेहरे हैं। तो सिस को हम फेशियल और फैक आइसोमर भी बोलते हैं, जबकि ट्रांस को, दिस इज मेरिडियन पे, मेरिडियन पे आपके ऑपोजिट लिगेंड बने हैं, आप इसको मेरिडियोनल आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। ये किस में पैदा होता है दोस्तों, ये पैदा होता है एम ए थ्री बी थ्री टाइप में, राइट। और एग्जांपल देखो, आपने ए थ्री बी थ्री, ए थ्री बी थ्री, एक ये एग्जांपल है और एक ये एग्जांपल, ऐसे हजारों एग्जांपल हो सकते हैं। आपका एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो फेशियल और मेरिडियोनल आइसोमर्स, समझा, आगे बढ़ रहे हैं जी। रिमेंबर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सारे सेम हो, कम से कम दो डिफरेंट तो हो, वुड नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ ए बी सी डी ई एफ शो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बना के मत देखना, वेले हो तो बना लेना, अगर काम है मैथ्स में बायोलॉजी में फिजिक्स में तो मत बनाना, ठीक, फ्री हुए तो बना के देखते रहना। द ओनली कंपाउंड इज दिस 15, एम ए बी सी डी के तीन और इसके आगे हैं 15 आइसोमर्स आगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 मैंने समरी बना दी है। ऑक्टाहेड्रल में एम ए फोर बी टू, एम ए ए टू बी टू और एम ए ए टू बी सी, एम ए थ्री बी थ्री, फैक और मेरिडियनल, यहां पे हम ये कर चुके हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। अपार्ट फ्रॉम आपने रफ में तो भी कर लिया होगा, फाइनल में भी कर लेंगे, एक पेज के ऊपर इसको लिखना और अपनी एनसीईआरटी की बुक के अंदर इसको लगा देना, ठीक। दिस अ गुरु मंत्रा, इट कंटेन्स एवरीथिंग, राइट,
इससे आप आगे के एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो हम आपको आगे लेके जा रहे हैं बच्चों, ठीक है जी। ये अब मैं ले आया हूं द ऑप्टिकल आइसोमर। सुनो, अगर आप में से किसी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अभी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं किया है तो अपनी नोटबुक में, अपनी एनसीईआरटी में लिख दो कि दिस टॉपिक इज पेंडिंग, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का करना फिर ये टॉपिक करना, ठीक। तो अभी के लिए अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं किया है तो पोस्टपोन कर दो, बाकी सारा टॉपिक चैप्टर हो जाएगा है। ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसको हम बाद में करेंगे, पर मैं यहाँ पे टॉपिक को पूरा कर रहा हूं। तो मैं ऐसी लैंग्वेज यूज करूंगा, मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करवाया है तो संभाल लेना। द सोल एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर कंपाउंड टू बी ओ ए का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं? जो कंपाउंड लाइट को राइट या लेफ्ट की तरफ घुमा देते हैं। दैट द कंपाउंड मस्ट बी इनडिविजिबल, द कंपाउंड मस्ट बी इनडिविजिबल नॉट डिविजिबल इनटू इक्वल हाफ्स, राइट। जो कंपाउंड इक्वल हाफ में ना बटे वो ऑप्टिकली एक्टिव होएगा। और कंपाउंड मस्ट नॉट हैव एनी सिमेट्री एलिमेंट। सी, ये वाला कंपाउंड इज डिविजिबल इनटू इक्वल हाफ, सो दिस विल बी ऑप्टिकली इन एक्टिव, ऑप्टिकली। दिस कंपाउंड डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो दिस इज इन डिविजिबल, सो दैट इज गोइंग टू बी बेटे व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। आप सिर्फ एक चीज याद रखेंगे कि जो कंपाउंड डिविजिबल ना हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स द कंपाउंड विच इज इनडिविजिबल इंटू टू इक्वल हाफ्स विल बी ऑप्टिकली व्हाट, एक्टिव। समझ सकते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। द टू आर स्ट्रक्चरली नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अगर आप इन हाथों को देखो तो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज, ऐसे नहीं करना। नाउ दीज आर नॉट मिरर इमेजेस, मिरर इमेज होते हैं लेफ्ट बिकम्स राइट, दैट्स लेटरल इन्वर्जन। सो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, दैट इज द डू नॉट पोजेस द प्लेन ऑफ सिमेट्री। द मॉलिक्यूल्स और आयंस विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड कायरल एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी। द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नोन एज डेक्स्ट्रो और लीवो, छोटा डी या छोटा एल, डिपेंडिंग अपॉन वो लाइट को राइट की तरफ पोलराइज लाइट को या लेफ्ट की ओर घुमाएंगे। द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर ऑल्सो नोन एज इनेंचियोमर्स और इनेंचियोमॉर्फ्स। इट इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इन्वॉल्विंग 1, 2 और 3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, दैट इज अ लिगेंड अटैच्ड टू सेंट्रल एटम बाय टू कोऑर्डिनेट। Thus, on these bases, the octahedral complexes showing optical isomerism may be classified into following types, different types. हम आगे बढ़ रहे हैं। MAA3 type, MAA3 type, right? ये कंपाउंड वन है और ये कंपाउंड आपका टू है। सी बेटे, आप इस पेयर को देखो, ये जोड़ा एक है, ये इनमें से एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो बनेगा, इनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोबाल्ट, राइट, तीन ईएन के साथ जुड़ा है और ये कंपाउंड टू है, क्रोमियम तीन ऑक्सलेट के साथ जुड़ा है। आपको ये पोजीशन बनानी आ रही है ना? बड़ी आसान है, ऐसा ऐसा ऑक्सलेट, राइट, ऑक्सलेट दो पोजीशन और द ऑक्सलेट। इसका मिरर इमेज कैसे बनाओगे? ये ऐसा 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 ऐसा, लेफ्ट बिकम राइट, ये आ गया
ऑक्स, और ये आ गया ऑक्स। क्या ये समझ पा रहे बच्चों? ये इधर था, ये इसके मिरर इमेज में इधर आ गया। ये बीच में हम मिरर शो करने की कोशिश कर रहे हैं, बस लेफ्ट और राइट बना रहे। ना मुझे पता है ना आपको पता लग सकता है इनमें से कौन सा डेक्स्ट्रो होगा और इनमें से कौन सा लीवो होगा। हम तो आपको ये बता रहे हैं एम ए थ्री टाइप ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। सेकंड एम ए टू बी टू और एम ए टू बी सी। इसमें दो आपके पास सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। वी हैव सीन अर्लियर दैट इन दिस द ज्योमेट्रिकल सिस्टम ट्रांस हम देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट द ट्रांस डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, व्हाइल ओनली सिस विल शो ऑप्टिकल बिकॉज दिस इज अनसिमेट्रिकल। अगले पेज पे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इसी कंपाउंड का ट्रांस बनाया है। आपको पता ना ट्रांस कैसे बनाते थे? ऑपोजिट पोजीशन पे ये डाल दिया और ये डाल दिया। और सिस कैसे बनाते थे? उसका जो राइट हैंड साइड वाला है। अरे बेटे आप ट्रांस को देखो, इसमें तो सिमेट्री एलिमेंट है। सिमेट्री एलिमेंट का मतलब कहीं से भी इक्वल डिस्टेंस पे चलो तो आपको सेम चीज मिल जाए। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऐसे ही अगर आप इसके मिरर इमेज को भी बनाओगे तो वो भी ऑप्टिकली क्या होएगा? इनएक्टिव। ये दोनों सेम कंपाउंड है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो इनमें डेक्स्ट्रो और लीवो नहीं होने वाला है। जबकि उसी का सिस बनाऊं, राइट, दिस इज गोइंग टू बी सिस। देयर इज नो सिमेट्री एलिमेंट, देयर इज नो सिमेट्री एलिमेंट। तो इनमें से ना मैं जानता हूं एक डी होगा और एक एल होगा। दिस इज इनडिविजिबल है एंड हेंस क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये क्या था? ये डिविजिबल था इनटू इक्वल हाफ्स एंड हेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव होएगा। ये आपस में जुड़ने वाला है। दैट इज मैंने आपको ये करवाने की कोशिश की है, वही वाला इकट्ठे एक जगह पे ले आओ। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है बेटे, ट्रांस और सिस। एम ए ए देखो, एक में एम ए थ्री था, एक में ए ए टू आया और एक में ए आ गया। तरीका है बी टू सी टू टाइप। इसमें भी बेटे देर इज नो सिमेट्री एलिमेंट, तो ये आपस में क्या है? मिरर इमेज। ये डैश डैश लाइन क्या शो कर रही है? मिरर। तो इनमें से एक डेक्स्ट्रो है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में डी पहले लिखते हैं तो पहले हम डी लिख देते हैं, दैट्स इट। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड कंटेनिंग हेक्साडेंटेट लिगेंड जैसे ईडीटीए आल्सो शो ऑप्टिक आइसोमरिज्म। इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 द स्केयर प्लेनर डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, बट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग टू अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड राइट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तुम लोगों को ये चीज समरी बनानी है, यहां पे ये काम आपने करना है। एम ए ए थ्री, एम ए ए टू, एम ए बी टू एंड बी टू सी टू एंड इट इज गोइंग टू बी एम हेक्सा डेंटेट। ये बताया ना एम हेक्सा डेंटेट। और स्केयर प्लेनर में आना नहीं, टेट्राहेड्रल में आना है। अगर टेट्राहेड्रल में आपके पास अनसिमेट्रिकल आपके पास लिगेंड आने वाला है। कुछ क्वेश्चंस हैं बेटे, ये हम आपको होमवर्क के रूप में दिए, करो पॉज करो। आपको पता है कौन सा होना चाहिए है? द डॉक्टर होमवर्क है, पॉज करो सॉल्व करो। पॉज द आंसर इज ए। अपनी लिस्ट देखो, उसमें से आंसर निकलेगा राइट। तुम्हें पता है कौन सा है? सी।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्केयर प्लेनर में तो आना ही नहीं था, राइट? और सिस और ट्रांस में से किसका होना था? द सिस का होना था। होमवर्क, शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ढूंढना MAA3C कलकत्ता, दैट्स द आंसर। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, टॉपिक चेंज हो गया है, हम चैप्टर के लास्ट में बिल्कुल पहुंच गए हैं। द ऑर्गेनो मेटालिक कॉम्प्लेक्सेस, जैसा कि नाम बता रहा है, ऑर्गेनो मेटालिक कॉम्प्लेक्सेस आर कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट वन कार्बन मेटल बॉन्ड। बाय कन्वेंशन मेटल साइनाइड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनो मेटालिक। दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज, मेन ग्रुप ऑर्गेनो मेटालिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक ऑर्गेनो। मेन ग्रुप कौन से होते हैं? एस एंड पी ब्लॉक। मेन ग्रुप, दीज आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। प्लीज कॉपी, अपने आप में क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज फ्रैंक लैंड रिएजेंट। ये सारे के सारे कॉपी होंगे, एस एंड पी ब्लॉक में से आपके पास ये कार्बन 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 यहां पे आ रहे हैं। टेट्रामिथाइल साइलिन, मिथाइल लिथियम, टेट्रा इथाइल लेड, ये C2 कार्बन 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 ये इसमें से आ रहा है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग ऑर्गेनिक मॉइटी ग्रुप एज एनायनिक। फॉर एग्जांपल इसमें कहता है मिथाइल के ऊपर आप माइनस चार्ज उम्मीद करिए, तो चार मिथाइल। सेकेंड में मिथाइल के ऊपर आप माइनस दीजिए, मिथाइल के ऊपर आप नेगेटिव देखिए, तो ब्रोमाइड के ऊपर नेगेटिव देखिए। इस प्रकार से आप सेंट्रल एटम की आप निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरे वाला कंपाउंड इज नोन एज द ग्रिगनार्ड रिएजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में 12th में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, राइट? डी एंड एफ ब्लॉक ऑर्गेनोमेटालिक्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। व्हाट इज जिसे साल्ट, व्हाट इज फेरोसीन, क्रोमोसीन, विल्किंसन, ज़िग्लरनाटा, इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड। ज़िग्लरनाटा, इनको नोबेल प्राइज मिला है, ये पॉलीमराइजेशन में बहुत ज्यादा रोल अदा करते हैं। सो ईटा, आप देख रहे हैं ईटा बोलते हैं इसको, ईटा 5, ईटा 6 देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय ईटा इन कंपाउंड्स में क्या मतलब रखता है? बेटा ईटा का मतलब है, फॉर एग्जांपल कंपाउंड ए देखो, ये आपका साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, ये ऐसा है, राइट? अब आयरन के साथ ये पांचों के पांचों कार्बन जुड़े हैं, इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अबव और एक आपका नीचे है, तो वो जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो लुईस बेस जुड़ी है। आप आने यहाँ पे छप्पे साइक्लोपेंटाडाइन, राइट, पड़ी है, एनायन पड़ा है, तो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने पांचों कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसकी वजह से हम ईटा 5 लिख देते हैं, बिस इसलिए कि आपके पास दो बार आया। ऐसे ही दिस इज द बेंजीन, आपको याद है उसमें एक पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर और एक नीचे, देखो इसमें 6 एटम्स हैं, तो हमने क्या लिख दिया है, ईटा लिख दिया है, बाकी तो वैसे का वैसा ही है, उसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी है। दिस इज नॉट फॉर योर स्कूल सिलेबस, तो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। मेटल कार्बोनाइल्स डिजर्व स्पेशल अटेंशन, होमोलिक्टिक कार्बोनाइल और कार्बोक्सिल कंपाउंड हैविंग कार्बोनाइल लिगेंड ओनली आर फॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। द टेट्रा कार्बोनाइल निकल, टेट्राहेड्रल होता है, दिस इज ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल है,
इसका थोड़ा सा डिफरेंट शेप है, थोड़ा सा डिफरेंट शेप, शेप्स आप बना सकते हैं, राइट? ये शेप्स बनाने की कोशिश दोबारा अगले पेज पे की गई है। मेटल कार्बोनाइल्स आर मोस्टली सॉलिड, एक्सेप्शन आयरन एंड निकल कार्बोनाइल विच आर लिक्विड्स। दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दैट इज दे डिजर्व स्पेशल अटेंशन। कुछ खास बात है कि इसके लिए हम थोड़ी सी दिमाग लगा रहे हैं। द कार्बोनाइल ग्रुप बॉन्ड्स टू मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेशन। इट फॉर्म्स अ वीक सिग्मा बॉन्ड एम। आपको याद है इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन के अंदर ये है, तो पहले स्टेज में ये एक सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, पहली स्टेज फर्स्ट। देन डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल इनटू एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ सीओ टेक्स प्लेस। बच्चे याद करो, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लास 11th, इलेक्ट्रॉन 14, सिग्मा बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, चार चार आठ और 12, सिग्मा 2pz2। और इसमें हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, मैंने रंग चेंज किया है, पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार। एक बात, इट हैज एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, कौन? मोनोक्साइड। याद करो, AbMo में अगर आप इलेक्ट्रॉन डालें तो वो कॉज करते हैं रिपल्शंस, और अगर रिपल्शन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड है वो कमजोर होएगा, कार्बन ऑक्सीजन परे परे होएंगे। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार तो बॉन्डिंग होगी, अब डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डी ऑर्बिटल इनटू एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड हैपेंस, दिस इज नोन एज पी पाई डी पाई। मेटल का डी, कार्बन मोनोऑक्साइड का पी, एंड इज ऑल्सो नोन एज बेटे सैनर्जिक बॉन्डिंग। दिस प्रोवाइड्स अनयूजुअल स्टेबिलिटी टू द मेटल कार्बोनाइल। दस कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल खुद भी है, एज अ लिगेंड बाइंड इटसेल्फ टू मेटल थ्रू टू बॉन्ड्स, वन इज सिग्मा एंड सेकेंड इज पाई। सिग्मा में ये क्या था बेटे? डोनर था, और पाई में ये क्या था? एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। इट्स अ वीक डोनर, वीक बेस, एंड फॉर्म्स अ वीक सिग्मा बॉन्ड। इट इज ऑल्सो एन एक्सेप्टर लिगेंड एंड इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इन वेकेंट एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सच लिगेंड्स आर नोन एज पाई एसिड लिगेंड। जो लिगेंड डोनेट और एक्सेप्ट दोनों कर पाए, और वो ज्यादा मजबूती देने वाले हैं, ठीक है जी? तो ये हम आपको अभी करवा रहे हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज पाई। आप एक बार इसको देख लेंगे, मैं रिपीट करवा रहा हूं दोबारा। ये देखिए क्या ये है, रिपीट कर रहे हैं बेटे जो कुछ आपको कराया हूं, समझाने के लिए। राइट, एम के अंदर डी ऑर्बिटल है, फर्स्ट स्टेज में मेटल और कार्बन के बीच में डेटिव बॉन्ड बन जाता है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, आप एरोबेशन में दिखाइए। सेकेंड स्टेज में इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल गोस टू कार्बन मोनोऑक्साइड के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में जाते हैं, और ऐसा करने से
बॉन्ड की मजबूती ज्यादा हो जाती है, इसको हम बोलते हैं द पी पाई डी पाई, बेशक डी को आगे रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैक बॉन्डिंग। याद करो मैंने चैप्टर ही यहां से शुरू किया था, दैट इज नोन एज द डेटिव बॉन्ड इंट्रा। ऐसा करने से दो चीज हो जाएंगी, कलर जानबूझ के मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। पहला, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग होएगा, बट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होएगा, वीक होएगा। क्यों वीक होएगा? बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो आ रहे हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कमजोरी दिखाते हैं, राइट? ये मैंने यहां पे किया। दिस मीन्स दैट एमसी जो कि स्ट्रॉन्गर हो रहा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड वीकर हो रहा। एनी फैक्टर दैट इंक्रीजेस द मेटल पाई इलेक्ट्रॉन would increase the MC bond order and decrease the CO bond order simultaneously. Important synergic bond. दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं होता है, अगर एक जगह पे फायदा हुआ है तो दूसरी जगह पे उसका नुकसान होगा। This is not for NICS, homework दे रहा हूं, पढ़ो, right? Not in स्कूल सिलेबस, तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो इसको ऑल टुगेदर छोड़ सकते हैं, कर चुके हैं। अल्टरनेटिवली द ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज सिग्मा बॉन्डेड, जिनमें सिग्मा बॉन्ड हो, और पाई बॉन्डेड जिनमें ईटा लिखा था, फेरोसिन जिससे सॉल्ट हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया है। What is that? आपने coordination compounds finish कर दिया है। Here we come out one of the most difficult topic of a two-year chemistry, that is known as coordination compounds. So I advise that you complete it, इसके notes बनाओ और देखो। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम खत्म करते हैं। बाय एंड सी यू अगेन। सुधांशु रेड्डी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड लक, बाय।